शनि, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। शनि, रुको यम, रुको यम, रुको यम। सहायता सहाय की जाती है और मैं असहाय नहीं। संज्ञा, हूं ना मैं, माता बनने के पात्र नहीं, यही कहा था ना तुमने? तो अब ये कुमाता तुम्हें दंड देगी। मैं सूर्य पत्नी इस समस्त तप के बल को एकत्रित करके शनि को श्राप देती हूँ। कि जिस पैर से इसने मेरी कोप पर प्रहार किया, वो पैर इसी क्षण कटकर इसके शरीर से अलग हो जाए, अलग हो जाए। नहीं संज्ञा, ये कुमाता तुम्हारी चित्कार सुनना चाहती है। देखो! क्या हो रहा है सूर्य देव, क्या हो रहा है? कैसी निर्जीव सभा है जहाँ एक के पश्चात एक अन्याय हो रहे हैं और सब के सब मौन है। ये हावी देवराज की सभा है और यदि यही अन्याय हुआ तो क्या उदाहरण देंगे आप संसार के, क्या उदाहरण देंगे? मुझे खेद है कि संज्ञा में मेरा भी कुछ अंश है। इसके जीवन का एकमात्र आधार उसकी माता थी, पर वही माता उससे छीन ली गई। जब उसने विरोध किया उसे शाप दे दिया गया। ये अन्याय नहीं तो और क्या है देव? देव विश्वकर्मा उचित कह रहे हैं सूर्यदेव, ये शनि के साथ अन्याय हो रहा है। मैं इनके मत से सहमत हूं। मैं इंद्र, मैं तो अपना मत रखने का पात्र भी नहीं हूं। सूर्यदेव, अन्याय आप ही की सभा में हुआ है, उसका त्राण भी आप ही को करना होगा। शनि ने जो किया वो अनुचित था, अपराध था। परंतु उस अपराध का दोषी शनि नहीं, देवी संज्ञा थी। उन्होंने शनि को उस सीमा तक धकेल दिया जहां वो अपने वश में नहीं रहा। क्यों किया तुमने ऐसा संज्ञा? शनि ने सत्य कहा। एक पत्नी अपने पति से छल कर सकती है, एक पुत्री अपने पिता के संस्कारों के विरुद्ध जा सकती है, परंतु एक माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। माना कि शनि की माता तुम्हारी छाया थी, परंतु मैं साक्षी हूं कि छाया ने अपनी ममता का कभी बंटवारा नहीं किया। परंतु तुमने क्या किया संज्ञा? जिस पुत्र ने अपने प्राणों पर खेलकर तुम्हारी व्यक्त गंध से रक्षा की, तुमने उसी का विश्वास तोड़ दिया। अद्भुत। पहले पिता ने छाया का पक्ष लिया और अब पति ले रहे हैं। क्या भूल थी मेरी? मैं आपका ताप सहन करना चाहती थी, तप पर जाना चाहती थी, इसलिए अपनी छाया का सृजन किया। छल उसने किया, इसे जन्म देकर तुम यह सत्य मुझे आकर बता भी सकती थी संज्ञा। कदाचित कोई मार्ग निकल आता, परंतु तुमने फिर से छल और षड्यंत्र का प्रयोग किया, इसलिए दोषी तुम हो संज्ञा। जैसे देव ऋषि नारद ने कहा, कि सूर्य सभा में आज तक कोई अन्याय नहीं हुआ और ना ही होगा। पहले भी दो बार शनि ने अन्याय होने से रोका और आज शनि का पिता रोके, शनि का पिता रोके, शनि का पिता रोके। मेरे ताप के बल से तुम्हारा शरीर फिर से एक हो गया, परंतु एक देवी का शाप व्यर्थ नहीं जा सकता। इसलिए अब से तुम्हारी चाल धीमी होगी शनैश्चरा। सूर्य देव ने अपना कर्म किया है, अब देखना है कर्म फलदाता क्या फल देते हैं। सूर्य देव का यह घाव अन्याय का एक चिन्ह था, आज उनके इस उचित न्याय ने इस चिन्ह को धो दिया। लौटाइए माता, माता लौट आओ ना, माता माता लौट आइए ना, अब मुझसे सहा नहीं जाता, लौटना होगा आपको माता। माता धन्यवाद इस सभा के लिए जिसने मुझे अनुभव कराया कि अब इस संसार में मेरा कुछ शेष नहीं रहा, ना कोई संबंध ना कोई प्रतिबंध, और अब मेरी माता के अस्तित्व के साथ मेरा विनाश हो गया। शनै शनै चरति इति शनैश्चरार्य, शनै शनै चरति इति शनैश्चरार्य। और अब मैं उस संसार को नष्ट कर दूंगा जिसने मेरी माता को मुझसे छीना।